नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब कभी आप ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं बैंक में, और ड्राफ्ट में ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो अगर यदि नाम प्रिंट गलत हो जाता है या कॉमा नहीं लगता है तो किस किस केस में तो आपका काम चल जाएगा और किस किस केस में आपको दूसरा DD इश्यू करवाना पड़ेगा। जनरली आज DD बनाने का एक यही तरीका है कि आप जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है आप उस ब्रांच में विजिट करिए, फॉर्म वगैरह भरिए और फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए। अब देखिए, मान के चलिए कि मैं गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के लिए ड्राफ्ट बनवाने, लेकिन मेरे ड्राफ्ट पर प्रिंट कर दिया IIT दिल्ली, तो ये तो चल जाएगा। अब मान के चलिए कोई सेवा संस्थान उदयपुर है जिसके नाम से इस तरीके का DD बनाना था, कॉमा लिखना था, लेकिन अब वो बैंक ने कॉमा नहीं लिखा, तो ये इस केस में भी ये DD चल जाएगा। हाँ, लेकिन जो इंडिविजुअल नाम होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होने चाहिए। अगर मुरारी गर्ग नाम है तो वो मुरारी गर्ग ही होना चाहिए। उसमें अगर यदि एक स्पेलिंग मिस्टेक इधर की उधर हुई तो आपने जो DD इशू करवाया है पर्सनल नाम से किसी के, वो क्लियर नहीं होगा। मान के चलिए मनीष गुप्ता है, अब मनीष गुप्ता कई लोग I लगाते हैं, कई लोग EE लगाते हैं, तो इस केस में भी नहीं चलेगा। यानी कि इंडिविजुअल नाम के लिए तो आपको एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन नाम या कोई ट्रस्ट वगैरह है तो उस केस में थोड़ा बहुत हेर फेर चल जाता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पे शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें। धन्यवाद।